Hello friends, again Sharp 10, I am here. Is anyone there? Chalo fatafat jud jao. Let me see some people coming in so that we can start quickly. Ek like bhi aa gaya, matlab aa gaye log. Kaun kaun aa gaya hai? Hai to bolo mujhe. Do likes aa gaye. अमन हेलो 13 पीपल. चलो लोग पंक्चुअल तो होने लगे धीरे धीरे. हेलो अंकिता 15. हेलो भवानी. सुखप्रीत हेलो. रोहित हेलो. खेमू रोहित, तू पुणे का ही स्टूडेंट है ना? तू ना रोहित खेमलानी. हेलो किमिया. हेलो नेहा. हेलो शुभम. भगवती हाय. चलो हाय हेलो हो गया. स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली अपन. पहली बार टाइम पे वो कौन, मैं या आप अमन? कौन पहली बार टाइम पे? हेलो टू एवरीवन. यस यस, लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग इन. चलो अपन अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट. हाय वैष्णवी. चलो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए मैंने क्या किया, आई एम गोइंग टू डिक्टेट द क्वेश्चन टू यू. सो नहीं, क्वेश्चन विजिबल होगा ही नहीं, बहुत बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. So what I'm planning to do is I'm going to dictate the question to you. Okay, chalo write it down. We'll begin in 9 minutes. Ek minute na. Okay, chalo shall I dictate? Write down. Auditor of PQR Private Limited. Auditor of PQR Private Limited. Don't ask me the essay. वही तो पहचानना है आपको. चलो ऑडिटर ऑफ PQR Private Limited having a turnover of 12 crores. एक बार रिपीट करी हूँ. ऑडिटर ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड having turnover of 12 crore. I hope you are writing it down. Am I not audible? Just tell me if I am audible or not. Shubham not visible, मुझे पता है, मैं खुद dictate कर रही हूँ. Audible ना? Okay, चलो एक बार वापस बता रही हूँ. The auditor of PQR Private Limited having a turnover of 12 crore was not able to get the confirmation. थोड़ा फास्ट लिखना. was not able to get the confirmation about the existence. was not able to get the confirmation about the existence and value of certain stocks. Was not able to get the confirmation about existence and valuation of certain stock. However, a certificate from the management has been obtained. Richa, don't be in a hurry to answer. Aman, don't be in a hurry to answer. It's a wrong one. However, a certificate from the management has been obtained regarding the existence. Certificate from the management. From the management has been obtained regarding the existence and value of the stock. And value of the stock at the year end. At the year end. Last sentence hai. The auditor relied on the same. Shubha, main end mein wapis repeat karungi. And without any further procedure, signed the audit report.
क्वेश्चन इज हिज अप्रोच राइट? निमेश पहले आप एसेस के ऊपर फोकस करो, बाकी टैक्स ऑडिट वगैरह करा दूंगी, अभी नहीं। इज ही राइट इन हिज अप्रोच? जो लोग थोड़े से लेट आए हैं उनके लिए एक बार पूरा क्वेश्चन वापस से रीड आउट कर रही हूँ, देन आई विल टेक द आंसर्स। ध्यान से सुनना। द ऑडिटर ऑफ पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड हैविंग टर्न ओवर ऑफ 12 crore वॉज नॉट एबल टू गेट द कन्फर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड वैल्युएशन ऑफ सर्टन स्टॉक। हवेवर अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट हैज़ बीन ऑब्टेंड रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द ईयर एंड। द ऑडिटर relied on the same and without any further procedure signed the audit report. Is his approach correct? चलो ideally prima facie फटाफट सबने essay कौन सा है ये मुझे बताना है। Quickly tell me in the comment box which essay is this? चलो बताओ भाई essay कौन सा है। ऑडिट अमेंडमेंट नोट्स बाद में आएंगे, फोकस करो यार। हैविंग टर्नओवर मैम प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम गेटिंग गुड आंसर्स। इट्स ऑन एसए 580। नाउ वेट। ओके वेरी गुड। चलो मेरे हिसाब से नहीं, 501 के ऊपर है नहीं ये क्वेश्चन। सीमा इट्स नॉट 501, 580 इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ये। 580 तो आइडियली आपने 2 सेकंड में ढूंढना चाहिए था कि दिस इज 580। ओके अंकिता इज सेइंग ही इज राइट इन हिज अप्रोच। चलो अब ये भी फटाफट बता दो, क्या ऑडिटर का अप्रोच सही है या गलत है? ऑडिटर ने क्या किया? इन शॉर्ट ऑडिटर ने मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को डायरेक्टली हाँ बोल दिया है। वाई नॉट 505? वेट 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 वेट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑडिटर ने कुछ कन्फर्मेशन नहीं लिया एंड ही हैज़ डायरेक्टली ऑब्टेंड अ सर्टिफिकेट एंड ही हैज़ रिलाइड ऑन द सर्टिफिकेट एंड गिवन हिज रिपोर्ट। इज इट अ राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच? एब्सोल्युटली मैनी पीपल आर आंसरिंग करेक्टली, इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अब इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है बताती हूँ। ये दोनों चीज़ें बहुत सिंपल थी। पॉइंट नंबर वन सिंपल वॉज दैट ये एस ए 580 का क्वेश्चन है, ये आइडियली आप बता सकते हो। नंबर टू ये रॉन्ग अप्रोच है ये भी आप बता पाओगे। अब गड़बड़ किधर है? गड़बड़े 5 मार्क के लिए पूछा है, ठीक है 5 मार्क के लिए पूछा है तो अपने 5 पॉइंट तो लिखने चाहिए बराबर ना। 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट आप क्या लिखोगे? आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट 5 पॉइंट्स, मतलब उसमें बेसिकली टेक्निकल वर्ड्स। लाइक वैष्णवी ने अभी एक टेक्निकल फ्रेज यूज़ किया है, दिस इज़ नॉट राइट एज ही शुड यूज़ वेरियस कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस। फ्रेंड्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड, कॉरोबोरेटिव एविडेंस। कभी भी आप स्टॉक वेरीफाई करने के लिए जाएंगे तो आप डायरेक्टली मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेके बात खत्म नहीं कर सकते हो, राइट? सो वन टेक्निकल वर्ड वॉज टोल्ड बाय वैष्णवी कि ऐसे 580 में ही हैज़ टू यूज़ इट एज अ कॉरोबोरेटिव एविडेंस। वेरी गुड रजनी है, रजनी हैज़ रिटन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड। क्या बोला? बोला ये कि रिटन रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी यूज एज अ सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपने ये वर्ड IPCC के बिगनिंग से पढ़ा होता है, आपने ये पूरी फ्रेज तब से पढ़ी होती है। मेरे क्लास में बोलती हूँ ऑप्टेन साई, साई मतलब SAAE, वॉट इज दैट? सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, करेक्ट। वेरी गुड अमन, तीसरा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो आप, रीजनेबल अश्योरेंस ऑप्टेन करना चाहिए। चलो क्विकली टेल मी रिचा, यू आर वेरी करेक्ट नाउ। ऑडिटर शुड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। फ्रेंड्स आर यू गेटिंग दिस? देखो 4 टेक्निकल वर्ड्स आ गए अभी अपने पास। मैंने बोला था 5 पॉइंट्स आने चाहिए, 5 में से 4 टेक्निकल वर्ड्स आ गए। अब इसका फ्लो कैसे बनेगा देखो थोड़ा सा। पहले 4 टेक्निकल वर्ड्स एक बार डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो फटाफट, राइट इट डाउन। येस ही कैन यूज इज प्रोफेशनल जजमेंट टू सम एक्सटेंट, येस। फटाफट एवरी वन राइट डाउन 4 पॉइंट्स। चलो पहला पॉइंट कौन सा बोला हमने? दैट इट हैज़ टू बी यूज एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस। फटाफट लिखो कोरोबोरेटिव एविडेंस। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? ऑडिटर शुड
परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स. अच्छा, हु कैन टेल मी अ टेक्निकल वर्ड हियर? बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, नॉर्मल टेक्निकल है. बट एडिशनल प्रोसीजर्स करने के बाद, व्हेन ऑडिटर परफॉर्म्स एडिशनल प्रोसीजर्स, व्हाट शुड ही डू आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर्स? व्हाट इज द ऑडिटर गोइंग टू डू? ही इज गोइंग टू चेक. अगेन, टिपिकल ऑडिटर ऑडिट में ये यूज किया जाता है, ऑडिटर हैज टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द एविडेंस. थर्ड टेक्निकल वर्ड आई एम टेलिंग यू. पहला टेक्निकल वर्ड क्या बोला? अच्छा, नैसिनी मैम, कोऑपरेटिव मीन्स, वेरी वेरी बेसिक वर्ड, कोऑपरेटिव मीन्स क्रॉस चेक करना, ओरिजिनल एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई करना, मतलब कोऑपरेटिव. ओके, इन सिंपल वर्ड्स अपन ने अभी तक तीन कौन से टेक्निकल वर्ड्स बोले, बोलो एक बार फटाफट. पहले, ही शुड यूज दिस एज अ कोऑपरेटिव एविडेंस, मतलब ही, आई एम नॉट विजिबल अ वर्ड, बफरिंग. लैगिंग, बफरिंग, मैं तो हूँ, मेरे को तो ओके है. जस्ट लेट मी नो. अच्छा, आई गेस नाउ इट इज डन. एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? आइडियली येस नाउ. स्टिल बफरिंग. चेक चेक चेक, मेरे यहाँ पे तो सब ठीक चल रहा है यार. पड़ोसी की हेल्प से ही चल रहा है सब बेटा. स्टिल बफरिंग. अरे, अमन इज हियरिंग मी, आई गेस ही इज लाफिंग ऑल्सो. अदर्स, एम आई ओके नाउ? कैन यू हियर मी, येस और नो? टेल मी फटाफट, बोलो बच्चो. अरे, आई एम कनेक्टेड टू BSNL बेटा. इट्स फैंटास्टिक एट माई एंड. आर यू एबल टू हियर मी? अच्छा, ये शायद बाद में तो अपलोड होना ही होना है, सो मैं एक बार बता देती हूँ. चलो फटाफट कीवर्ड्स बता देती हूँ. पॉइंट नंबर वन, कोऑपरेटिव एविडेंस करके ही आना चाहिए, राइट? पॉइंट नंबर टू, हमने बोला ऑडिटर शुड नॉट डायरेक्टली यूज दिस एज एन एडिशनल एविडेंस, ही शुड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू परफॉर्म ऑडिट एविडेंस, एडिशनल प्रोसीजर्स वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, वाइल ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट इन्वेंटरी. नंबर थ्री, what he should do is he should check the consistency of the evidence. okay, number four, अगर आपने question में ही देखा तो question specifically क्या बोल रहा था कि he has obtained the confirmation about existence and value. it's a good connection from my side. am I audible now at least? Please see ma'am, what shall I see? It's a good connection at my end. I don't even see poor connection. तो मैंने बोला ऐसे, चलो मैं तो फटाफट answers दे देती हूँ, बाद में ये बफरिंग का हो जाएगा नाटक क्लियर. सो corroborative evidence, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, एडिशनल प्रोसीजर्स. प्लीज़ restart.